स्वेटर ले लो स्वेटर। अरे माँ देखो स्वेटर। स्वेटर ले लो। माँ कितनी ठंड है, मेरा पुराना स्वेटर भी छोटा पड़ गया, अब तो मेरे लिए नया स्वेटर ले लो। हाँ बेटा। तो चलो माँ। हाँ। भैया ये स्वेटर कितने का है? बहन जी ये वाला स्वेटर, ये स्वेटर 500 का है। 500 रुपए? रोशनी बेटा हम ना एक काम करते हैं, हमारे घर के पास जो दुकान है ना हम वहीं से स्वेटर ले लेंगे, ये इतने अच्छे नहीं है। ठीक है चल। पैसे तो हो गए नहीं, आ जाते हैं स्वेटर खरीदने गरीब कहीं के। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलना, और हाँ कमेंट में जरूर बताना कि कौन सा पार्ट अच्छा लगा। अरे रिद्धि बेटा ये लो, तुम ये वाला स्वेटर पहन लो। क्या पापा ये तो कितना पुराना हो चुका है, मैं नहीं पहन रही इसे। अरे कहाँ पुराना हुआ है, इसे पिछले साल ही तो लिया है और आपने इसे सिर्फ ठंड में पहना है। नहीं पापा मुझे न्यू वाला ही चाहिए, ये पुराना वाला नहीं। हाँ भैया रहने दो ना, ये रिद्धि के लिए न्यू स्वेटर ही ले आना। अरे रोशनी तूने स्वेटर नहीं पहना, बाहर कितनी ठंड है। एक काम कर तू ये पहन ले। चल बेटा। इसकी इतनी भी औकात नहीं कि रिद्धि का स्वेटर पहने। वैसे बुआ जी आपने मेरा पुराना वाला स्वेटर कहीं देखा क्या? लगता है पापा ने कचरे में ही फेंक दिया होगा। अरे ध्यान से देख, उस रोशनी ने पहना हुआ है तेरा स्वेटर। लगता है इस बिचारी के पास नए स्वेटर खरीदने के पैसे ही नहीं होंगे। रोशनी अब से मेरी हर फेंकने वाली चीज तू ले लेना। अरे देखो देखो बुआ जी इसने तो स्वेटर खोल कर रख दिया। अच्छा मालकिन वैसे भी बहुत ठंड है, आप एसी बंद कर दो ना। ठंड? कैसी ठंड, मुझे तो ठंड नहीं लग रही है, तुम्हें लग रही है? नहीं। बेटा तू ये ओढ़ ले। सुमित्रा। हाँ। मेरे रूम में पोछा लगा दे, तूने अच्छा नहीं लगाया है। हाँ ठीक है मुझे। इनको इनकी औकात में रखना बहुत जरूरी है। मेरा स्वेटर पहनकर मेरे सामने होशियारी मान रही थी ना, अब ले। रोशनी बेटा सारा काम हो गया है तो अब निकलते हैं हम, जा तू दुपट्टा ओढ़ ले। माँ ये तो गीला है। क्या पर कैसे,
अगर मैंने मालकिन से पूछा तो वो मुझ पे चिल्लाएगी, इससे अच्छा मैं यहाँ से चली ही जाती हूँ। बेटा एक काम कर, तू ऐसे ही चल, ठीक है? बुआ जी, आपको पता है उस रोशनी का दुपट्टा मैंने गीला किया था। अच्छा, ऐसे लोगों के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। रिद्धि, पूजा, तुम दोनों को जरा सी भी शर्म नहीं है ऐसा करते हुए? वो बेचारे गरीब है, उनके पास पहनने के लिए स्वेटर तक नहीं है। वो उस दुपट्टे को ओढ़ के अपनी ठंड कम कर रही थी और तुमने क्या किया, तुमने उसका दुपट्टा ही गीला कर दिया। और तो और, मैंने जो उसे सुबह स्वेटर दिया था वो भी तुम दोनों ने मिलकर उसे ले लिया है ना। तुम दोनों को जरा सी भी दया नहीं आई कि वो फूल सी बच्ची इतनी ठंड में बाहर कैसे रहेगी। अब तुम दोनों भी ठंड में बाहर बिना स्वेटर के रहो, तभी तुम दोनों की अकल ठिकाने आएगी। पर भैया, बस मुझे कुछ नहीं सुनना। बुआ जी, बाहर तो कितनी ठंड है। हाँ बेटा, लगता है इस बिचारी के पास नए स्वेटर खरीदने के पैसे ही नहीं होंगे। रिद्धि बेटा, हमने सुमित्रा और रोशनी के साथ कितना बुरा बर्ताव किया, जिस तरह हमें ठंड लग रही है उन्हें भी तो ठंड लगी होगी। अरे मालकिन का फोन। हेलो हेलो सुमित्रा। हाँ मालकिन, तू एक बार घर पर आ, तो मुझे कुछ काम है। अच्छा ठीक है। क्या हुआ माँ? अब बेटा वो हमें फिर से बुलाया है, चल। मालकिन ने फिर से फोन करके बुलाया। अच्छा तुम रुको, मैं बुला के लाता हूँ। सुमित्रा। मालकिन आपने हमें बुलाया। सुमित्रा प्लीज, हम दोनों को माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, प्लीज हमें माफ कर दो। मेम साहब, आप माफी मत मांगो, हमें आपकी किसी बात का बुरा नहीं लगा। और रोशनी, तू भी मुझे माफ कर दे। रिद्धि दीदी, आप भी माफी मत मांगो, मुझे अच्छा नहीं लगता, अपन दोनों दोस्त है ना। हाँ। और तुम दोनों के पास स्वेटर नहीं है ना, तो ये लो स्वेटर, रोशनी ये तुम्हारे लिए और सुमित्रा ये तुम्हारे लिए। अब इन स्वेटर को हाथ में ही पकड़ोगी या इन्हें पहनोगी भी? मालकिन स्वेटर के लिए शुक्रिया, अब हम चलते हैं। चल बेटी। ये हुई ना बात। माँ कितना अच्छा स्वेटर है, अब तो मुझे ठंड बिल्कुल भी नहीं लग रही है। हाँ बेटा।